नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ट्राइडेंट के स्टॉक में आज बड़ा धमाका हो रहा है। इस स्टॉक पे मैंने आप सभी के साथ काफी वीडियो शेयर करी हैं, एक ही चीज बोली है, बेचो मत। एंड अराउंड 28 रुपए पे खरीदने की राय दी थी, 26 रुपए पे। आप सभी को याद होगा मैंने वीडियो शूट करी थी जब अभी रिसेंटली 26 रुपए आया था, तब इसमें एक सौदा हुआ था, बड़ा सौदा हुआ था, लगभग 3 करोड़ शेयर का हुआ था, तो ऑलमोस्ट 1.5-2% इक्विटी का सौदा हो गया था। उस दिन मैंने कहा था ये बड़ा सौदा हुआ है, किसी कोई लेके गया यहाँ से, क्योंकि कैश मार्केट का सौदा हुआ है, किसी ने बेचा है, किसी ने खरीदा है, हमेशा खरीदने वाले की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। तो ये स्टॉक अब आप चाहो तो एवरेज भी कर सकते हो। उस 26 रुपए की डील के बाद अगले दिन 25 रुपए तक गया स्टॉक, लेकिन उसके 2-3 दिन बाद जो रन अप स्टार्ट हुआ है अभी तक नहीं रुका। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। पहली, इस कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, दूसरी, कंपनी डिविडेंड देने वाली है। दोनों ही डिटेल्स बताने वाला हूं, और अभी आपको एज अ ट्रेडर, एज अ पोजिशनल ट्रेडर और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर क्या करना है इसके बारे में समझ लीजिए। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के वीडियो को एंड आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ट्राइडेंट का करंटली स्टॉक देख लेते हैं, भाई कैसा ट्रेड कर रहा है। आज 6-6.5% तक की तेजी आप लोगों ने देखी है, बढ़िया मूव आया है। ऊपर से अभी थोड़ा करेक्ट भी होता हुआ दिख रहा है, 3575 का हाई लग गया था, 3480 पे ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने आज के सेशन में धमाका कर दिया, 35 रुपए के लेवल्स पे ऑलमोस्ट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक महीने में 14% भाग चुका है स्टॉक। लोअर लेवल से देखें तो अराउंड आपके लिए 40% की तेजी बन चुकी है, मामूली बात नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक्स ना ऐसे होते हैं, हालांकि ये स्मॉल कैप नहीं है, मिड कैप है। इनफैक्ट थोड़े दिन पहले तक तो ये लार्ज कैप था, अभी भी 17,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 75 रुपए का हाई लगाया इस स्टॉक ने, 70-75 का। उस हिसाब से देखो तो ये लार्ज कैप स्टॉक है। लेकिन अभी करंटली बात करें कि यहां से क्या करें, उससे पहले मैं आपको 2-3 चीजें बताऊंगा। टेक्सटाइल की सारी कंपनीज के खराब नंबर आ रहे हैं, और नंबर से पहले सारी टेक्सटाइल कंपनी भागी है। वर्धमान टेक्सटाइल उस नंबर से पहले देखो और नंबर के बाद देखो, उसके बाद आपके लिए GAEL यानी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड, गेल नंबर से पहले भागा, नंबर्स के बाद धड़ाम। और भी 2-3 टेक्सटाइल कंपनी है, मेरे दिमाग में नाम अभी याद नहीं आ रहा। एक सतलज टेक्सटाइल, नंबर्स के बाद 10% क्रैश हुआ था। यानी कि सारी टेक्सटाइल कंपनी नंबर से पहले एक रनअप दे रही है और नंबर्स पे क्रैश हो रही है। तो ये भी कंपनी अपने लिए अपने 18th में, यानी कि आज आपकी 16th है, परसों नंबर पेश करने वाली है। लेट्स सी अर्निंग्स कैसी आएंगी, लेकिन इसके भी खराब नंबर आएंगे, क्या नंबर्स के बाद क्रैश होगा ऐसा सोचना चाहिए? तो डेफिनेटली जो सेक्टर कर रहा है वो सोच सकते हैं, बट इस कंपनी के अपडेट आए थे क्वार्टर फोर के जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए, बहुत तंगड़े अपडेट थे, तो अपडेट देख के लग रहा है नंबर खराब नहीं होंगे। तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो मुझे कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा ही बने रहूंगा। एज अ ट्रेडर क्या करें, देखिए ट्रेडर को मेरे को लगता है एक अच्छा मूव मिल गया है, उसे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ठीक है। अब कंपनी के लिए दो चीज बता दूं, कंपनी डिविडेंड भी देगी 18 मई को जो उसके लिए डेट है, और कंपनी ने डिविडेंड आने से पहले ही रिकॉर्ड डेट तय कर दी गई है जो कि आपकी 26 मई की है, और 18 तारीख को बोर्ड मीटिंग है जहां पे कंपनी रिजल्ट्स और डिविडेंड देने वाली है, और उसकी डिविडेंड की जो एक्सडेट ट्रेड करी कंपनी ने तय कर दिया, रिकॉर्ड डेट वो है 26 मई की, ठीक है। दो चीज क्लियर होगी, कंपनी डिविडेंड देने वाली है और उसकी रिकॉर्ड डेट क्या है वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। डिविडेंड 2.25% की है, तो हो सकता है आपके लिए डिविडेंड भी अच्छा आता हुआ दिखे, ज्यादा मतलब 1-1.5% तक का डिविडेंड आ सकता है। अभी फिलहाल अगर किसी के पास है तो आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करिए, और स्टॉप लॉस होगा 3440 का। जब तक 3440 के नीचे आने के लिए बहुत छोटा सा एसएल दिया है, तब तक आप होल्ड करो, ट्रेल करो अपने स्टॉप लॉस को। अगर ब्रेक करें तो फिर एग्जिट लेना, बुक कर लेना प्रॉफिट। लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो बने रहो, फ्रेश एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, मुझे लगता है अवॉइड कीजिए इन लेवल्स पे। कोई डिप मिलती है तो डेफिनेटली लेंगे, और डिप अब आपके लिए मैक्सिमम जो आ सकती है वो 32-31.75 तक आ सकती है अगर रिजल्ट ठीक रहे तो, और रिजल्ट खराब आते हैं तो बड़ी गिरावट हो सकती है। स्टॉक में अभी जो रेजिस्टेंस है वो 36.50 रुपए के समथिंग आएगा, उससे पहले नहीं है, और सबसे बड़ा हर्डल आएगा 42 रुपए पे। एक बार ये स्टॉक 42 रुपए निकाल देना, फिर इस स्टॉक की रीरेटिंग हो जाएगी, दोबारा हाईस की तरफ चला जाएगा और आपके लिए 50, 55 और 56 रुपए के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो यहाँ से फ्रेश एंट्री तो मैं डिप्स पे ही खरीदारी करने के लिए कहूंगा, लेकिन फिलहाल अभी अगर है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करें, ट्रेडर या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो। लॉन्ग टर्म निवेशक को तो कुछ करने की जरूरत नहीं, बेटर हो, आराम से लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा। ये कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और आगे चल के इनके बहुत बड़े बड़े प्लांट्स भी हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।